पहली बार खा रहा हूँ मैं इतना बड़ा पीस। गुगुती 4000 रुपये ही होते थे मेरे पास। कितने बजे फोन किया था मैंने जिस दिन मेरा चैनल हैक हो गया था? अरे नरूटो ये भी इसी में डाल दो तो खाएगा टिपिकल बहू नहीं बोलती ससुर जी के सामने ही क्या आ गया अभी तक बताओ दो लोग दिख रहे होंगे। आज हमारे बड़े भाई आए हैं जो हमसे 8 या 9 दिन बड़े वो आए हुए। तो आज हमने सारी चीजें जल्दी से बताया तो काका से लिए। आज हमने कुछ भी बाहर से नहीं मंगाया, एक चीज बाहर से मंगाई है वो बताऊंगा। ये मेरी मम्मी ने बनाया मटन और ये है चिकन लेग पीसेस विद थाई, 4 पीसेस हैं। ये हमने थोड़ी सी हरी मिर्च रखी हुई है यहाँ पे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे और थोड़े अच्छे व्यूज आए। और यहाँ पे हमने ले रखे हैं बासमती राइस और ये है रोटियां जिसमें 2 गार्लिक नान 2 बटर नान। ये मैंने बाहर से मंगाया था गार्लिक नान और बटर नान। मैं आपको बता देता हूँ कि किस रेस्टोरेंट से मैंने मंगाया, फूड ऑफ ड्रीम रेस्टोरेंट से मंगा रखा है, तो आगे बात करेंगे। और यहाँ अफगानी चाप भी मंगा रखी है जो कि शक्ल में बहुत ज्यादा प्यारी है। तो जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुमने जैसी चावल बोला ना, अरे एडे किससे स्टार्ट करें? तेरा मन क्या है खाने का? मटन से करता हूँ स्टार्ट। अरे मटन का है, बटर नान, बटी नान थोड़ी सी फटी हुई है। भाई साहब ये कुछ इसका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है क्या? कम कर देगा, ज्यादा लग रहा है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, दिखने दो। बेहतरीन भाई। बेहतरीन गजब गजब भाई। शक्ल भी देख लो, ओह तनु गिर रहा है भाई। शक्ल मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा। मैं सोच रहा था पहले कुकर यहाँ पे रख लो, फिर हमने देखा जगह नहीं हो पा रही। मैं परफेक्टली कुक्ड, पहले बाहर से मंगाने वाला था मैं, बट मैंने सोचा घर के लोगों के लिए घर का ही मंगाओ, घर में ही बनाओ। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा मटन को चेक करने का बेस्ट है कि पीसेस कैसे हो रहे हैं। अगर पीसेस आराम से च्यू करे जा रहे हैं तो मतलब परफेक्टली कुक्ड है। भाई तेज होगी, पतली वाली तेज होती है घर की। मैं सुन ना भाई, तू मिर्च खा, तू क्यों नहीं खा रहा? खा ले, अरे खा ले, लास्ट में एक बार ट्राई करूँगा मिर्च खाने का। अफगानी चाप ट्राई करूँ क्या? ये हड्डी वाली अफगानी चाप कैसे है? अच्छा ये स्टिक वाली कुछ थी ना, थोड़ा सा इसमें ये डाल। 5-star रेटिंग थी भाई इसमें। इसकी शक्ल देखो भाई, अगर दिख रही हो तो 5-star रेटिंग थी इसमें। बट मैंने कल तुम्हारा व्लॉग देखा, उसमें ही मैंने देखा कि किसी रेस्टोरेंट में 5-star रेटिंग दे रही थी। द लेजी डॉग मनाली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफे लाउंज। लाउंज मतलब हुक्का हुक्का सब सर्व करता हूँ, मतलब सब कुछ लीगल है सब चीज़ें। हाँ ओल्ड मनाली में वो भाई 4 trillion से ज़्यादा रिव्यूज हैं उसके। 4 trillion बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट उसका खाना भाई महंगा और एज सच कुछ टेस्टी नहीं। सेटिंग वगैरह सब बढ़िया थी, लोकेशन बहुत बढ़िया थी, बट खाना कुछ खास नहीं था। लेग पीस विद थाई भाई देख, मुझे तो अच्छा लगेगा भाई। पहली बार खा रहा हूँ मैं इतना बड़ा पीस। लेट्स सी हाउ इट इज। लटपटा सही नहीं है,
और जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे उस दिन हमारे चैनल को 1 साल हो जाएंगे। हमारे मतलब मेरे चैनल को, तुम्हारे चैनल को कितने साल हो गए? मेरे चैनल को, मेरे चैनल को 2 साल हो गए। पिछली बार 14 जनवरी को स्टार्ट किया था मैंने, 14 जनवरी को स्टार्ट किया था। लो आई ये, उसके बाद ही मकर संक्रांति थी ना, तो 15 को मकर संक्रांति इस बार भी है। अच्छा, और पिछली बार मकर संक्रांति मैंने वाला वीडियो अपलोड किया था वो माला वाला गुगुती। मैं टाइम का तो इस बार पता ही नहीं चल रहा है। एक साल कैसे बीत गया, ऐसा लग रहा है अभी कुछ दिनों पहले की बात है। हाँ, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत लंबा हो जाता है टाइम, मेरे को पता चल रहा है भाई। मैंने कल ही मकबैंग करा, मैं यही बोल रहा था, तेरा कॉल आया था मेरे मकबैंग के बीच में, तो मैंने कैमरा में ही बोल रखी वो बात कि इसके साथ मैं कल रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो मैं उसमें यही बोल रहा था कि मैं आज खा रहा हूँ, मैं अगले दिन ज़्यादा खाता नहीं हूँ, तो उसके साथ मैं कम ही खाऊंगा। लेकिन भाई इतना टेस्टी हो रहा है ना कि रुका नहीं जा सकता, घर में सही बनता है। सोच रहा हूँ कि रेसिपी चैनल डाल दूँ। अब इसके नीचे कॉमेंट नहीं है, पिछली बार की रेसिपी डाली नहीं तूने और इस बार फिर बकवास पे लिया कि रेसिपी चैनल डाल दूंगा। ये खा ले भाई, बड़े टेस्टी हो रहे हो। क्या चाप अच्छी हो रही है क्या? बढ़िया हो रही है भाई, मतलब 5 स्टार रेटिंग बढ़िया दे रही थी मैंने। बढ़िया हो रही है, नान भी बढ़िया हो रही है, नान भी इसी से मंगाए और चाप भी बढ़िया। पहले मैं ब्लैक पेपर से मंगा रहा था, फिर मैं ब्लैक पेपर थोड़ा दूर हो जाता, दूर नहीं। अभी दूर नहीं उड़ता हो, महंगा हो रहा है, ये होता है महंगा, उनको तो बहुत महंगा, अति अति महंगा। अब तुम्हें लगाओ मैंने कार्ट पैड किया था, एक मटन डाला फुल, और तुमने देखा कभी ऑर्डर करते हुए हाफ में हाथ नहीं जाता, हाफ क्या होता है, फुल मंगाऊंगा, एक फुल ये, एक फुल बटर चिकन, 4 नान, पेप्सी ऐड करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो वो तो पास में ही है वो ले आऊंगा। मैंने जैसे उसमें पेमेंट का ऑप्शन डाला, मैंने सोचा आज चेक कर लेता हूँ कितने का है, कल ऑर्डर कर दूंगा, उसमें आया 3200। ओ भाई, मैंने मैं घर में ले आऊंगा। बोल घर में तू एक बार बताना, 1 किलो मटन प्रॉपर रेट पता है मुझे, 640 रुपए का, 4 टंगड़े 270 रुपए, 270 के 4। बहुत सही है। और तुझे पता है मटन में यहाँ से वहाँ का क्यों गया लेने, यहाँ से ISBT तो कितना किलोमीटर होगा, ISBT भी नहीं यार वहाँ पे, वो नहीं है अभी जो वो है यार मंडी, मंडी के जस्ट बगल में उत्तरांचल करके। अच्छा, उत्तरांचल नाम है उसका, बट थापा जी से फेमस है वो। तुम्हारे में जैसे थापा आंटी है ना मोमोज वाली, वैसे ही थापा जी करके मटन वाला है वो, बहुत बढ़िया मटन देता है भाई। और वो तुमसे जब तू ऑर्डर देगा ना तो पूछेगा कुकर वाला या फिर कढ़ाई वाला, मैंने बोला कढ़ाई वाला दे। मुझे तो आ गया जब मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले जो मैं मकबैन करता था 500 से 800 मैक्सिमम एक मकबैन में खर्चा होता 800 रुपये भाई, उससे ऊपर नहीं। तो महीने में मेरे 8 वीडियोस निकलते थे, 500 से 700 रुपये, 500 से 800 मैक्स, कई दिन स्पेशल हो गया तो 800 जाएगा, अदरवाइज 500। महीने के 8 वीडियो होते थे, 4000 रुपये मैं बोल के चलता था, मतलब 4000 रुपये ही होते थे मेरे पास कितने खर्चे। हाँ बस उससे ऊपर होते ही नहीं। तो भाई बात तो बता, तुमने कल जाते थे, महंगाई बड़ी है क्या? बड़ी है भाई। तुम्हारे डिमांड्स बढ़ चुकी हैं। अभी डिमांड्स नहीं बढ़ी है भाई, तुझे वो बता रहा। अभी मैं भाई मेरे साथ होता कैसा है तुझे क्या बताऊँ मैं, अभी तुमने देखा होगा। ओ भाई भाई इसका मसाला भी बढ़िया हो रहा है, चिकन वाले का छुपा के क्यों रखा है दोनों मसाला? अभी अभी हाँ यार, ये तेल ऑलिव ऑयल है, ठीक है ठीक है भाई। यार इसकी शक्ल देखो जरा मसाले की, गजब। एक तो जोमेटो वाले यहाँ आते नहीं, बोलते हम नहीं आ रहे, वहाँ दूर है तो। और स्विगी वाला आता है, पहले ही बताया था तू बहुत दूर है भाई, पैसे दूंगा। और कोई रेस्टोरेंट ऐसे जो मना कर देते हैं, जैसे आज था, जैसे हमारी बात हो रही थी, भाटिया से मंगा लियो, तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा,
ऐसी किलस होती है ना उस टाइम कि भाई मैं खाना चाहता हूँ तुम्हारे यहाँ खाना, पैसे ले लो भाई दे दो इसे। तो जोमैटो ही नहीं करता, बट मेरे में तो वो आ जाता है क्या? थोड़े एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस लेंगे क्योंकि खाना बहुत दूर से आ रहा है, ऑप्शन आता है प्रॉपर। लेकिन तेरे में आ जाता है ना, मेरे में आ नहीं पाता ना। वो शायद से तेरे पे आया स्टार्टिंग में, किसी पे आया स्टार्टिंग में एक ऑप्शन आता है जैसे तुम रेस्टोरेंट सेलेक्ट करोगे कहीं दूर का, तो एक ऐसा पॉपअप आता है कि भाई फूड विल कम फ्रॉम फार अवे, सो वो आता है बट मेरे में वही आता है। तो मेरे में तो कहीं से भी आ जाता है यार खाना, मैं बहुत दूर दूर से मंगा रखा। अभी बता रहा हूँ मैं तुझे, अभी डालियो अपने फ़ोन में भाटिया ढाबा, अभी देखियो वहाँ से फ़ोन ना आ जाएगा ही तुझे। नहीं दे रहा हूँ भाई तुझे खाना, समझ आई? नहीं दे रहा हूँ, मत बना वीडियो, नहीं दे रहा हूँ मैं, उतनी दूर नहीं आऊँगा। लेकिन यार करनी चाहिए यार इन्होंने डिलीवरी, भाई पैसे दे तो रहा हूँ। जोमेटो वाले नहीं करते भाई, रेस्टोरेंट का कुछ थोड़ा उसमें, तो हड्डियाँ रख रहा है मुझे। कभी पॉपअप आया है हे प्रवीण डिनर? अबे नहीं खा रहा भाई, सुबह खा के बैठो पैसे। जोमेटो की नोटिफिकेशन हमें पता हो ना पता हो, स्विगी और जोमेटो को पता रहता है ये खाएगा, इसे भूख लग रही होगी अभी, इसका खाने का समय है। जोमेटो वाले तो शायद इसलिए डिलीवरी नहीं करते, जोमेटो वाले बोलते हैं शायद कि 18 से 20 रेस्टोरेंट होने चाहिए उनके अंडर उस एरिया में। यार इतना नहीं पता मुझे, करते हैं यार वो, यहाँ तो भेजते ही नहीं साले। घर में बनाने में और तो कुछ नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जो बीच बीच में बनाते बनाते गालियाँ पड़ती हैं उसका काम क्या है? लेकिन घर का खाना मस्त है यार, मैं सोच रहा हूँ कि भाई डाल दो यार रेसिपी, मम्मी को कन्विंस नहीं कर पाऊँगा ना मैं। कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब मम्मी वीडियो बनानी है रेसिपी, बना लो, मैं नहीं बनाऊंगी खाना। तुझे क्या लगता है ज़्यादातर पहाड़ी होते हैं ना ऐसे? क्या ज़्यादातर पहाड़ी होते हैं ना? कैसे? कैमरे से थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं मम्मी लोग ज़्यादातर, वरना अभी तक तो 6-7 रेसिपी तो डाल ही देता मैं। बढ़िया रहेगा। और बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे इसकी मम्मी ने बनाया तभी तारीफ कर रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, बढ़िया हो रहा। तू ये पी नहीं रहा क्या डाइट कोक? ना भाई मुझे कहाँ, मुझे भी हो रहा है भाई। पी शर्म तो है नहीं, अभी एक दिन मिलता है यार पीने का। मैं कल अपने वीडियो में भी ये बात बोल रहा था, क्या मेरे पे किसी का कमेंट भी आया था, किसी भाई साहब किसी का तो आया था कि मैं अब उम्मीदें खो रहा हूँ किस चीज़ की, कि मैंने चैनल स्टार्ट कर रखा है लेकिन ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, मैं उम्मीदें खो रहा हूँ इस चैनल से ये वो। कौन कह रहा था, मतलब किसके चैनल के लिए कह रहा था अपने? वो बंदा अच्छा, उस बंदे का चैनल है और वो कह रहा था कि मैं उम्मीदें खो रहा हूँ। भाई तुझे पता है यहाँ सेटलमेंट देगा तूने कैसा है, मैं हिल नहीं सकता यहाँ से, और अगर यहाँ से दरवाज़ा खुला ना मेरा मुंह फूटेगा, उसके बाद भी मैं वीडियो बना लेता हूँ कि मुझे अपलोड करना है। और एक कंसिस्टेंसी वाला सीन मैंने इसी से सीखा कि हाँ भाई वो इतना वो रहता है उसके बाद भी। देख मैं तेरे को बता दूँ क्या, जितने भी लोग देख रहे हैं जिनका नया चैनल है थोड़ा तो देख, अपनी मेहनत तो है कि रेगुलरली वीडियोज डालो, थोड़ा कभी कभार किस्मत भी चलती है। कैसे? जैसे तुमने टैग्स डाले, टैग्स में आज के वीडियो में तुमने डाल दिया मटन मसाला, चिकन मसाला, चिकन लेग, ये सारे टैग्स डाल दिया।
किस्मत यहाँ चलती है कि एक टाइम पे एक दिन के उसमें पीरियड में कितने लोग वही चीज़ यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, वो किस्मत है कि जो हमने टैग यूज़ किए हुए वही, वो किसी ने सर्च कर लिया और तुम्हारा वीडियो उसमें आ गया, उसको थंबनेल पसंद आया, उसने क्लिक कर दिया, ये किस्मत पे है पूरी बात। अब ऐसा होता नहीं है ना कि अब तू कल ये वीडियो डालेगा, जरूरी थोड़ा ना कि कल लोग यही सर्च करेंगे, हो सकता है एक महीने बाद सर्च करें, हो सकता है दो महीने बाद सर्च करें, एक महीने बाद ही करेंगे शायद। मांग का महीना आ रहा है ना, अब नॉनवेज कोई खाएगा नहीं, अब डालेंगे पनीर। हाँ वो किस्मत पे बात है, लेकिन कभी ना कभी वायरल होता ही होता है, कोई सा भी तुम वीडियो डालो, मतलब उसका ये नहीं है, यूट्यूब का खास बात यही है कि ऐसा नहीं है कि आज वीडियो डाल रहे हो तो आज ही चलेगा, हो सकता है एक महीने बाद चले, हो सकता है एक साल बाद चले, लेकिन चलेगा जरूर दोस्तों, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं। मेरे को भी एक दो भाइयों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, डीएम आए थे, डीएम नहीं मतलब मैसेज आए, वो शायद नेपाल से हैं, उन्होंने पूछा था कि कैमरा एंगल क्या है और आप कैमरा एंगल क्या रखते हो बेसिकली, और लाइट्स के एंगल क्या रखते हो। अब मैं उन्हें बता भी नहीं सकता कैसे रखता हूँ मैं, मेरे खुद नहीं पता जहाँ से सही पड़ जाए। अगर ये अभी नीचे करके सही आती है मैं इसे ऐसे कर देता, ऐसे आती है ऐसे कर देता, अगर मैं उन्हें बता दूँ कि मैं ऐसे लगाता हूँ भाई लाइट ऊपर से मारता हूँ, तो फिर वो बोलेंगे अच्छा बेवकूफ बना रहा है तू वाला सीन, कैमरा एंगल अभी ऐसा है, थोड़े दिनों बाद पता नहीं कैसा होगा जैसे उस समय लग गया। वही लोग समझते नहीं उस बात को, और मैं खुद बता रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं पता भाई कैमरा ये सब ना, तब आता है जब खुद करने बैठ जाओ, जब ये होती है ना कि भाई करना पड़ेगा कर। तो खुद कैमरे में देखो, खुद देखो भाई लाइट कहाँ से सही पड़ रही है, कहाँ से नहीं सही पड़ रही है, तो मेरे को अभी भी कोई दिक्कत होती है मैं। और हाँ दिक्कत, कितने बजे फोन किया था मैंने जिस दिन मेरा चैनल हैक हो गया था। इसमें वो डालियो करी, तुझे पता है भाई सुबह 4 बजे में पढ़ रहा था, पता नहीं कौन था वो इतना प्यारा आदमी जिसने 4 बजे सुबह मेरे मेरे चैनल से 4 वीडियो अपलोड कर दिए, सुबह 4 बजे 4 वीडियो अपलोड हो रहे हैं मेरे चैनल से और मुझे ही नहीं पता, और मैं सिर्फ पढ़ रहा था वहाँ पर बैठ के, मैंने ऐसे ही देख लिया, अबे होती यार भाई अभी नए नए हैं, मेरे को बहुत वो है कि यार चल खोल के देखता हूँ कितने व्यूज आए, और मैं हर बार सोचता हूँ कि अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब नहीं पढ़ूंगा मैं कमेंट, मैं तो बिल्कुल दरकिनार हो जाऊंगा कि ये क्या लिख दिया भाई मेरे को नहीं पता। मैं ना सारे कमेंट पढ़ लेता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैं ज़्यादातर के रिप्लाई कर देता हूँ, और जिनके मैं रिप्लाई मैं अपने दिल के अंदर छुपा लेता हूँ वो तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे कमेंट होते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि मैं कर दूँ उनका रिप्लाई, बट मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कहीं बुरा मान गए कल के दिन मेरे ऊपर वीडियो बना दी क्या लिख रहा है यहाँ पे, तो फिर मैं नहीं करता। 4 बजे चैनल में होगी वीडियो अपलोड और मैंने डेस्कटॉप में मुक्का मारा सुबह, मतलब मेरा चैनल 0 देख लिया था मैंने फिर से, लो भाई। मैंने तुझे शायद 5 बजे फ़ोन कर दिया था सुबह, फिर मैंने चीज़ें करी, फिर मैंने लैपी खोला, फिर मेरे को रात को भी करा था कॉल, रात को मेरे को पता नहीं था ना, रात को किसी और चीज़ के लिए किया था। रात को पता होता पहले से बैकअप बना के रखता, मेरा सब चेंज कर दिया भाई, मेरा पासवर्ड मेरा सब कुछ चेंज कर दिया, और भी वीडियो भी बनानी कहते, मैंने चला के भी देखे हो, मैंने क्या कर रहा है ये। और कल जब हो रहा था ना, क्या जब आँख में लगी क्या ना ना, कल जब वीडियो का हुआ कि चल आज हमें भी शूट करना है, तो हमने एक पिछली वीडियो में बोला था, तूने बोला था जाते जाते कि जिसको भी कुछ भी क्वेश्चन होंगे मैं अपने उसमें चेक नहीं कर पाता, अगर होगा तो आप नीचे कॉमेंट में बता देना। अबे क्वेश्चन मैंने सब खोला वो, मतलब वाह भाई, मतलब ये नहीं कर पाऊंगा मैं यूज। भाई किसी ने तो बहुत प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं, कुछ प्यारा ही लिख दिया, लेकिन मैं समझ नहीं आता यार, हम भी तो पहले से यूट्यूब देखते हुए आ रहे हैं, तूने कभी लिखा किसी को गंदा? नहीं मैंने तो गंदा लिखा ही नहीं, मैं कितना गंदा हूँ तुझे पता है। इतना फ्री टाइम नहीं होता ना कि किसी और के वीडियो में जाके जबरदस्ती कुछ नेगेटिव कमेंट करे। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग, मैं तो अपने आप को सोचता यार मैं लड़का हूँ भाई, यहीं देहरादून से ही बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल है, मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा कि भाई उसने एक वीडियो अपलोड की रिसेंट, मैं देखा उसे, अच्छी अच्छी वीडियोज बनाती है भाई, बहुत सही है, ठीक है तुम समझ रहे हो। अच्छा तो उसके बाद
भाई साहब लिटरली बोल रही है कि तुम मुझे बोल दो कि तुम चुड़ैल हो, तुम तो चुड़ैल हो। मैं कह रहा भाई मुझे तो कुछ बोल ही नहीं रही है। भाई यार सही बात है भाई, वो भी तो इंसान है, मैं करो सोचती तो होगी ना कभी जैसे मैं सोचता हूँ। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, सब कुछ गलत है। अभी लड़की के लॉन्डो के साथ भी नहीं करना चाहिए भाई, नहीं किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, मतलब ये वीडियो अपलोड होते साथ मेरे साथ होने लग जाए। तू क्या है, चुड़ैल तो नहीं, क्या बोलेंगे भूत से सारे पिसाच जिन। अबे जिन नहीं हूँ मैं, जिन कभी बनूंगा भाई नहीं। मोनेटाइजेशन तो चालू हो गया ना तेरा? हाँ भाई, लेकिन धन वर्षा नहीं हो रही भाई, धन रुका पड़ा है। कृपा रुकी भी है कहीं, लेकिन मुझे अब मजा आ रहा है भाई। किस चीज में? बैंक करने में, एक हफ्ते का सारी कसर एक साथ ही निकाल। लेकिन जो कमेंट में पढ़ता हूँ ना भाई, मुझे कभी कभी लगता है कि आदत गंदी है कमेंट पढ़ने की, बहुत गंदी। पढ़ा करो, मैं तो पढ़ता हूँ। नहीं नहीं मैं भी पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। पिछली बार भी हुआ था ना, कोई बात नहीं रहने, कमेंट मैं पढ़ता हूँ, सारे पढ़ता हूँ, बट मेरे को वो आदत पड़ गई, मैं नेगेटिव पे रुकता ही नहीं रुकता भाई। सुन तो ले, मेरे अंदर भी दो फीलिंग है, या तो पढ़ो ही मत, ये एक मैं अंदर से सोचता हूँ कि रिएक्ट मत करो, फिर लेकिन तो ये पता है, फिर मन तो करता है ना रिएक्ट करने का कि चल यार थोड़ा सा भाई। अभी एक रीसेंट कमेंट जो मुझे याद है, भाई का नाम था मिस्टर नारुतो। नारुतो तो मेरे को बड़ा प्यारा नाम लगा, हमें बहुत ऐसा लगता है कि ओ वाओ क्या बढ़िया नाम है। तो भाई ने कमेंट किया हुआ था, तो मेरा एक सिंपल कमेंट हो सकता था, मैंने नीचे लिखा अरे नारुतो। उसके बाद भाई का कमेंट आया, अरे बिग फैन, ये तो सिर्फ ये करने के लिए था कि तुम देख लो। अबे भाई कुछ और लिख दे, मैं फिर भी लिखूंगा अरे नारुतो। लेकिन उसमें डिफरेंस थोड़ा अलग रहेगा, उस अरे नारुतो में दिल लग जाएगा। वही ओ कैसे 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 अरे नारुतो। और सुन तो उसमें मैं दिल भी बनाता भाई आगे से, लेकिन मुझे लिखने में बड़ा मजा आता। मेरे को पहले लगा कि मैं क्या कमेंट करूं इसे, क्या लिखूं मैं, फिर मैंने लिखा अरे नारुतो। और भाई कमेंट का रिप्लाई कर रहा है कि मैंने गंदा इसलिए लिखा था कि मैं नोटिस हो जाए। अबे भाई मैं रात को कोसता हूं सोते हुए तुम्हें यार। ऐसे ऐसे भी करते हैं लोग। हाँ भाई क्यों लिख रहा है भाई गलत रिप्लाई पाने के लिए बस। हाँ अबे भाई मैं रिप्लाई मैं तो मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम, मेरे को यूट्यूब में तो नहीं दिखते नेगेटिव कमेंट्स, मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ। मेरी फोटो में, किसी फोटो में कोई अनसर्टेनिटी कमेंट कर देंगे, मैं उनकी प्रोफाइल खोल के देखता हूँ, मेरे को फॉलो कर। लेकिन वो बढ़िया था अरे नारुतो। और बहुत सारे नाम भाई मेरे को ना, मतलब नाम बहुत सही सही लगते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में एक हैं मतलब उनका नाम है, क्यों बताऊं तुम्हें, मतलब अबे हंसने वाली बात नहीं, मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे नाम, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा फनी था अरे नारुतो। और ना और सुन दो ले, और एक क्या था, मतलब देख लोग तुम्हें रेगुलर देख रहे हैं, कमेंट मार रहे हैं, तो नाम याद हो जाते हैं। तो बहुत से जने ऐसे हैं जो शुरुआत में जिनके मैं नाम पढ़े, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नीरज भाई हैं एक, पता नहीं करूँ, एक नीरज भाई हैं और एक है वो बेवकूफी ऑफ माय लाइफ, मतलब अच्छे नाम है, लेकिन फैसिनेटिंग तो अरे नारुतो। अरे भाई भैया ये लेग पीस बहुत तगड़े हो रहे हैं, बट बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं। मैंने तो कल ही मकबैंग करा, मैंने भी मटन चिकन पता नहीं क्या क्या मंगाया था, डबल एग डबल चिकन रोल भी मंगाया था। डबल एग डबल चिकन रोल सर, डबल डबल अब डबल डबल, यहाँ तो मैं सोचता हूँ क्वार्टर दे दे भाई। ऐसा इतना डिमांड हो जाता है आगे से, और एक बंदा कमेंट करता है आपकी यूट्यूब की अर्निंग कितनी है। गुजारा भी नहीं हो पा रहा।
स्टार्टिंग में होता है ऐसा, वही याद आ रहा यार क्या उसका कमेंट खोल ही गया, बट हाँ मैं वो स्क्रीनशॉट तो डाल दूंगा, लोग बोलेंगे ऐसी बोल रहा है, लेकिन मुझे याद है मेरे दोस्त मिस्टर नारुतो, हाँ तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। एक पहले कार्टून भी तो आता था, एक तो नारुतो आता था और एक नहीं आता डिंग 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 क्या था निंजा दोड़ी, एक का नाम वो भी था शिनचैन, बट मैं दिल दे देता हूँ यार। और एक को तो मैंने तगड़ा रिप्लाई किया था कुछ, तो उसने कुछ गाली वाली बकरी की थी, बहुत प्यारे शब्द थे वो, मैं से काटूंगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट गाली देनी सबको आती है, मैंने गाली नहीं दी बट मैंने उसे ऐसा बोल दिया कि वो याद रखेगा कि किसी ने कुछ बोला था, मतलब आप इतना समय लगा के यहाँ आए, थैंक यू सो मच। हो गया तो गाली तो कोई भी दे सकता है, गालियाँ इंटरनेट पर कोई भी गाली दे सकता है, हम भी वापस रिप्लाई में गालियाँ दे सकते हैं, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ना, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। ये बच जाएंगे? हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। रेसिपी डाल दूँगी? रेसिपी डाल तो जो डाल रहे तू वो डाल यार, घर वालों को खिलाइए बनना। देख रहा था खाली हो भाई तेरा ही घर है, बाद में खाली हो आराम से, साफ करना पड़ेगा यार, दिक्कत तो ये है, काफी ऊर्जावान हो यार तुम। और एक कमेंट और याद कर दिया, कल मैं रात को पढ़ रहा था भाई, उसमें लिखा हुआ था अक्की ने आपको चॉकलेट दी, मैं एक बार रात को सोच रहा था अक्की ने आपको चॉकलेट दी, कौन सी चॉकलेट, प्यार वाले नाम से भी जानते हैं तुम्हें लोग, तो उसने बोला अक्की ने आपको चॉकलेट दी, मैं एक बार रात को मेरे को बड़ी हो गई थी, मैंने नहीं लेकिन कल वो आ रहा है। कल भानु भैया भी आ रहे हैं, तो एक दो दिन बात करता तो क्या पता चॉकलेट ले आता मैं, अगर वो लाए होंगे तो। आ रहे हैं क्या? कल भानु भैया आ रहे हैं। ये सही है, तुम ये भी इसी में डाल दूं तो खाएगा। तो बच्चा तूने मिर्च नहीं खाई? अभी दो खाली भाई, तूने दो मिर्च खाई क्या? हां तो, और ये तीसरी आधी काट दी भाई, दो मिर्च खा गया क्या तू? हाँ भाई बढ़िया हो रही थी मिर्च, बढ़िया हो रही थी अबे टूट जाएगा भाई, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। अब तो खाना भी बढ़िया हो रहा था, खाना तो बढ़िया हो रहा। अबे यार हड्डी रखेगी यहाँ तो, ऐसे करो जैसे कोई एकदम टिपिकल बहू नहीं बोलती, ससुर जी के सामने क्या आ गया पल्लू के लोग बोल गए अभी तक बताओ अभी तक खाना रखा होता, लोग बोलेंगे हड्डियां दिखा रहे, हड्डियां रखी हुई बताओ। ओ बेस कैमरे को ना वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आंसू दिखाता हूँ। वो क्या नहीं कर सकता वो? इसे पास। ओ भाई। हड्डियां रखी हुई बताओ। अच्छा तू अब देख, मैं ना कभी कभी यहाँ ऊपर देखता हूँ। लोगों को दिखाने के लिए लोगों के थॉट्स है कि लोग जो भी मकमान करता है, मैं सबका नहीं बता रहा भाई, मैंने सबको वो नहीं किया, बट मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता। लोगों ने बोला तुम यहाँ से खाना खाते हो, तू समझ पा रहा है? मतलब मैंने यहाँ प्लेट रखी हुई और मैं कर रहा हूँ, और मैं आधा चबा रहा हूँ। अब तू खुद बता, मैं ऐसे करूंगा खाऊंगा, अपने ही पैसे खर्च करेगा, अपने ही पैसे चबा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कर दूंगा क्या? नहीं कर सकता भाई, ठीक है। और मैं कभी खाता हूँ ना तो यार यहाँ लगाया हुआ मैंने माइक, इसका भी रीजन था कि यहाँ पे करके मेरे पास स्पेस कम है, कभी मारा माइक चले गया पैसे
पैसे उड़ गए भाई मैंने टांग दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं खाना खा रहा हूँ, एकदम से मेरा ना आंख यहाँ चली गई तो मैं कट मारना भूल गया वहां पे और कुछ बात चल रही है, मैंने नहीं मारा, मैंने ऊपर ही देख लिया। लोग कह रहे हैं ऊपर क्या देख रहा है बे, अब तुझे माइक की प्लेसमेंट हाँ। कैसी लग रही है? बढ़िया बेहतरीन। आग जाएगी ना यहाँ पे, खाते हुए एक बार जाएगी ना कि ठीक है यहाँ पे है। और कभी कभी वैसे देखता हूँ लाइट जल रही है इसमें, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ माइक है ठीक है, लोगों के दूर रखे रहते हैं, क्या स्पेस होता है ना भाई, यहाँ देखिए यहाँ से लिटरली बाहर निकलने की भी जगह नहीं है, नहीं यहाँ से पहले कुछ सामान पहले बाहर निकलना पड़ेगा तो हमारे लिए जगह बनेगी, ऐसा सब एडजस्ट करके करना पड़ता है भाई। बट ऐसा नहीं होता यार, मेरे को तो नहीं लगता कोई भी करता होगा। क्या खा के थूकता होगा कोई भी नहीं करता यार भाई। अभी एक बार बता ना, कोई आधे घंटे की वीडियो डाल रहा, लोग देख रहे हैं, आधे लोग बोलेंगे आधे घंटे का कौन देखेगा, वो उनके हिसाब से वो 8 मिनट की कर दे तो दिक्कत, वो वहाँ भी दिक्कत हो जाएगी, वो 16 मिनट की कर दे वहाँ भी दिक्कत है। यही तो दिक्कत है भाई, अब पूरा च्यू करते हो। अब देखो अपन लोग राक्षस नहीं है, मैं ये बोल सकता हूँ, कुछ लोग राक्षस होते हैं वो खाते हैं और घुटक लेते हैं उसे, अपन लोगों को च्यू करने की आदत है, हम उसे च्यू करते हैं और वो लेंदी हो जाता है पोर्शन, तो उसको काटना ही पड़ता है। अब यार एक चीज मैं तो ये मानता हूँ, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बरकत नहीं होने की। हाँ वही ना भाई, खाने की लग रहे हैं, खाने की इज्जत जो करेगा, मतलब हमारा तो फील्ड ही खाने का है, तो मैं तो रॉबर्ट को भी देता है बचावा, रॉबर्ट को, रॉबर्ट अलग खाता है भाई, उसकी घर में अलग हुआ है, उसे मिलेगा तो कुकर से मिलेगा, बचा हुआ नहीं मिलेगा उसे, ये मैं ही खाऊंगा तो ऐसे वाला सीन। वो हड्डी नहीं खाता मटन की, पछती नहीं भाई। हाँ मेरा बुरी भी नहीं खाता मटन, खा तो लेता है वो, खाता है वो बढ़िया, लेकिन फिर दूसरे दिन दिक्कत हो जाती भाई। लेकिन अब से मैं उसे यही कहूँगा यार, अपना ये देखो अपना फील्ड ही फूड से रिलेटेड है, तो अपन फूड की तो फुल रिस्पेक्ट करते हैं। फेंकेगा ही क्यों यार, कोई बची है गए, थोड़ी सी बची है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इतना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो इतना, क्या जबरदस्ती है इतना खाने की। हम बैलेंस बना के चल रहे हैं ना, हम अगर आज खा रहे हैं तो हम अगले 2 दिन नहीं खाएंगे, तो वो बैलेंस भी तो बन रहा है। अब तुम 3 दिन में 6 बार ही खा रहे हो खाना, हम 3 दिन में 1 बार ही खाना खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, बात एक ही है। अब बाकी ये तो फील्ड ही ऐसा जॉनर ही मकबैंगर है कि इसमें खाना ही रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और कई चीज़ें सिर्फ उसे दिखाने के लिए भी रखनी पड़ती हैं, जैसे प्याज, जैसे कि एक मिर्च बच गई, ये साफ है, साफ सुथरी, नहीं नहीं वो तो छोड़ो, लेकिन चलो घर पे हो गई यार, घर वाली चीज़ हो जाएगी। चलो यार ये साफ करते हैं, फिर करते हैं वीडियो एंड, चलो कर देंगे ना। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, वी जस्ट होप यू गाइस एंजॉय टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड वी विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन, अपने अपने चैनल में, बाय। चलो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते यार, अटक गया था क्या तू? हाँ भाई कहाँ है जगह, देख तौलिया नीचे गिरा दिया तो वो कुछ पता नहीं चलता है भाई, कम चलो में बड़े हो भाई, मसाला भी बढ़िया हुआ है, मसाला बढ़िया हुआ क्यों, तुझे वो अच्छा नहीं लगा? क्यों नहीं लगा अच्छा, तो फिर मसाला बढ़िया, मैं कब मसाला भी बढ़िया हुआ, अच्छा मसाला, अरे सॉरी यार, अरे मैं रोटू अभी क्या हो गया, बंद कर दे।